अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटेक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11, चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवा दी हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपने वेरीफाई करना है। आपको जस्ट 3 पार्ट दिए गए हैं इसके, यानी कि आपको एक राइट हैंड साइड दी है, एक लेफ्ट हैंड साइड दी है, और आपने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सही, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 मैंने क्वेश्चन 8 का लिख लिया है। सही है, उसके बाद आप इसको नीचे एक बार राइट कर लें सॉल्यूशन लिखकर। यहाँ पर आप लिखें सॉल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को नीचे राइट करें। 2+3i का होल स्क्वेयर इक्वल है -5+12i। इस तरह से कर लिया। अब आप कोई भी एक साइड ले लें, देखें जो आपको इजी लग रही हो। अब देखें यहां पर आपको पता चल रहा है a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, तो हम यही वाली साइड लेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, लिख लें आप यहां पर बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2+3i का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने एक फार्मूले का यहाँ पर रेफरेंस देना है। वो फार्मूला क्या है, ये अगर आपके पास a है, ये b है, तो a+b का होल स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे। a+b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, यहाँ लिखें अब आप a² यानी 2 का स्क्वायर, a² + 2a आपके पास है 2 और b आपके पास है 3i। ठीक है, और प्लस फिर आपके पास क्या आता है, b² यानी 3i का स्क्वायर। इस तरह से कर लिया। आप 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 4, और यहां पर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2s are 4, 4 3s are 12i प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3s are 9i² अच्छा, अब आप एक और फॉर्मूला का यहाँ पे रेफरेंस दें कि i² आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो जहां भी आपको i² नजर आ रहा है वहां आप लिख दें -1, तो 4+12i+9 × -1 इस तरह कर दिया। अब आपके पास ये क्या होगा, 4+12i - 9। ठीक है, अब रियल पार्ट्स जो हैं जिनके साथ आयोटा नहीं, उन्हें साथ लिख लें। 4 - 9, ये दोनों रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 12i है। ठीक है, अच्छा, आप 4 - 9 इनको सॉल्व करें तो आपके पास -5 आ जाएगा और +12i। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया है, यहां पर इसको इक्वेशन 1 कह दें, आपके पास आया -5+12i। और आप अगर राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड चेक करें, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो राइट हैंड साइड इक्वल है -5+12i। तो आप यहां लिखिए -5+12i, इसको इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, यहां पर इसको कह दें इक्वेशन 2। अब आप चेक करें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये आपके पास क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 क्या है, यहां पे 2 × 5 - 2i का स्क्वायर इक्वल है 42 - 40i के। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। तो क्वेश्चन आपके पास है 2 × 5 - 2i का स्क्वायर इक्वल है 42 - 40i। ठीक है, तो आप चेक करें यहाँ पर किस साइड को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली साइड आपके पास देखिए, आपको लग रहा है यहाँ पर कोई फार्मूला लगेगा और मल्टीप्लिकेशन होगी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास आंसर राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2 × 5 − 2 i² अगर आप इस 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बाकी देखें a − b² तो आपके पास फार्मूला लग रहा है किसका, a − b² आप यहाँ रेफरेंस दें और क्या लिखेंगे, a² − 2ab + b², ठीक है, ये फार्मूला है, आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो आप किस तरह से लिखेंगे इस फार्मूले को, यहाँ 2 × यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं a², ठीक है, −2ab, तो −2a आपके पास है 5 और b आपके पास क्या है 2i, सही, यहाँ आप लिखें 2i और +b² यानी 2i² ठीक है, इस तरह हो गया। अब आप इसका फाइंड करें, यहाँ पर अंदर स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, तो −20i, 2 × 2 = आपके पास क्या होगा यहाँ 4 और i² आप ऐसे ही लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और फार्मूला का रेफरेंस दें कि i² आपके पास इक्वल होता है −1 के, तो अब जहाँ भी आपको यहाँ i² नजर आ रहा है वहाँ क्या लिख दें, −1, तो 2 × 25 − 20i + 4 − 1, ठीक है, इस तरह से आपने −1 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 − 20i + −4, सही, इस तरह से कर दिया। अब आपके पास ये −4 क्यों हुआ, क्योंकि i² की जगह आपने क्या लिखा था, −1 और फिर ±, तो 4 × 1 = 4 हो गया, ठीक है। अब आप 25 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 21 − 20i, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 × 21 तो आपके पास 41 आ जाएगा, −2 × 20 = आपके पास 40 और i, तो ये आपके पास क्या आ गई यहाँ से, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और आपके पास अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसको सॉल्व किया और आपके पास 41 − 40i आया, ठीक है, और आपने क्या करना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 41 नहीं, 2 × 21 = 42 होता है, नॉट, देखें कैलकुलेटर पे भी कर लें और इस तरह से भी देखें, 21, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो 42 होता है, ठीक है, यहाँ 41 नहीं 42 आएगा। अब आप चेक करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 42 − 40i ही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड भी है, ठीक है, आपने चेक किया तो वो राइट हैंड साइड भी थी। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और फिर आप लिख देंगे कि ये क्वेश्चन आपने क्या कर लिया यहाँ पे, वेरीफाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है, यहाँ पर z³ + i² = z − i² × z²+i(z−1, तो अब आप देख लें कौन सी साइड हम लें जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ये वाली हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड आप लें तो मल्टीप्लिकेशन आप इजीली करवा सकते हैं और पॉसिबल है कि वो इसके इक्वल हो जाए प्रूफ, तो स्टार्ट करते हैं, आप राइट हैंड साइड ले लें, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन और उसके बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, z³ + i² = z − i² × z³+i(z−1 के। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग, इस बार आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं बल्कि राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z − i² × z², सो यहाँ पर स्क्वेयर है, ठीक है, z² − i(z−1, ये इस तरह से आपने लिख दिया।
ठीक है, राइट हैंड साइड लिख ली। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जेड इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो जेड को मल्टीप्लाई करवा दें इस पूरी ब्रैकेट से, प्लस आयोटा जेड माइनस वन से, फिर माइनस आयोटा, तो आप यहाँ माइनस आयोटा लिखे और वो इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जेड स्क्वेयर प्लस आयोटा जेड माइनस वन, ठीक है। इस तरह कर दिया, अब जेड को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो जेड जेड स्क्वेयर जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जेड को इधर मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस आयोटा और जेड स्क्वेयर, ठीक है, जेड 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 स्क्वेयर और आयोटा एज इट इज, और जेड वन जार माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा को मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस आयोटा को जेड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और अब माइनस आयोटा को यहाँ पर आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, और साथ में z, और अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा 1 जार आयोटा। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पर आयोटा z स्क्वेयर प्लस का है, आयोटा z स्क्वेयर माइनस का है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, z क्यूब माइनस z माइनस आयोटा स्क्वेयर z प्लस आयोटा। अब जहाँ आयोटा स्क्वेयर है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है माइनस वन के, ठीक है। तो आयोटा स्क्वेयर की जगह आप माइनस वन लिखें तो क्या होगा, जेड क्यूब माइनस जेड माइनस माइनस वन जेड प्लस आयोटा, तो अब क्या होगा, जेड क्यूब माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड और प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस जेड प्लस जेड से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या बच जाएगा, जेड क्यूब प्लस आयोटा, और ये आपके पास क्या आ गई, यहां से ये है आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। और आपके पास अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो भी क्या है, जेड क्यूब प्लस आयोटा, तो आप चेक करें कि जेड क्यूब प्लस आयोटा यही आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो आप क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और आपने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई, ठीक है।